जो अपनी पैर के अस्तित्व के लिए ईश्वर से लड़ पड़े। चलो हम ले चल रहे डब्ल्यू एल एस कॉलोनी जहाँ पे बन रहा है रावण, तो हम दिखाते हैं आपको पूरी वीडियो, बने रहिए हमारे ब्लॉग में और पूरा देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए एंड लाइक कीजिए। और हमारी जो ये लावन बन रहा है 101 फीट का लावन बन रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ में वर्ल्ड फेमस, छत्तीसगढ़ का फेमस है डब्ल्यू आर एस कॉलोनी का लावन, जो कि बन रहा है अपना तो यहाँ पे आने वाले अपने सीएम, यहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, आप देख सकते हो जो कि यहाँ बन रहा है और यहाँ लाइट शो का भी बन रहा है। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आने वाली है, तो यहाँ पे बन रहा है रावण, अपना मेघनाथ है ये वाला, और ये अपना नहीं, ये कुंभकर्ण है और ये अपना मेघनाथ है, जो कि अब बन के लेडी हो चुका है। आप देख सकते हो ये दोनों लेगी हो गए हैं, मेघनाथ और कुंभकर्ण। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं रावण, देख सकते हो 10 मुंडी वाला रावण है, ये बन के लेडी हो चुका है डब्लू वाला कॉलोनी में। चलो हम आपको लेके चलते हैं वहां पे, जो कि आगे का सीन दिखाते हैं। गाइस ये आप देख सकते हो इतनी बड़ी ट्रेन है, ये 50 टन की ट्रेन है जो कि, और यही है ट्रेन जो रावण को खड़ा करती है और मेघनाथ और कुंभकर्ण को। ये एक पहला यहाँ पे मेघनाथ, यहाँ रावण और यहाँ। तो गाइस हम ये भैया मिले जो कि ये ट्रेन को चलाते हैं, आप देख सकते हो इनने अभी रावण को खड़ा किया है, तो कैसे खड़ा किया चलो पूछते। तो भैया कुछ जानकारी दोगे? जानकारी भैया ये 50 टन की क्रेन है कुलदीप क्रेन की, 50 टन कुलदीप क्रेन की क्रेन है। तो आप कहाँ से आए हो? तो मैं इधर टाटीबंद में रहता हूँ, टाटीबंद वैसे पंजाब से बिलोंग करता हूँ। अच्छा पंडा जी, चंगा जी, चंगा जी, चंगा, ओके जी। तो ये कितने फीट का रावण बन रहा है, आप कुछ को आपको जानकारी है क्या? कुछ ये कोई 50 फीट का बोल रहे हैं, 101 फीट का गूगल में हमने सर्च किए तो पता चला 101 फीट का। अच्छा 100 फीट का है, 100-100 फीट का, 101 गूगल वाली ने बताई। हमारा 140 फीट का है वो जो है। अच्छा तो ये पंजाब का है क्रेन? नहीं क्रेन इधर का रायपुर का, रायपुर का ही है। आप पंजाब से? हम पंजाब से। तो ये कब तक तैयार हो जाएगा? ये हो जाएगा शाम तक हो जाएगा। चलो गाइस अपने को जानकारी मिल गई ट्रेन वाले, ये रावण है अपना जो खड़ा हो गया। आपने अभी तो रावण के बारे में सुनी लिया है, और अब आपको हम दिखाते हैं क्रैशर मतलब फटाके के बारे में, जो कि रावण के समय फटाके के टाइम होते हैं, जो दिखाते आपको सो फटाके का। आप देख सकते हो इतने सारे फटाके हैं, जो अभी तो बहुत सारे फटाके, हम आगे आपको वीडियो दिखाएंगे कि तो सकते हो इतने सारे फटाके। आप ये भैया आपको क्या बोलूँ, ये काम कर रहा वायल जोड़ने का। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को पटाखे में। यहाँ पे भैया लोग हैं जो कि बना रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फटाके, लेकिन वायल को हमको छेलना नहीं है, भैया ने बोल दिया। तो हम वायल को देख के चलेंगे नीचे ऊपर, और यहाँ आप देख सकते हो यही है जो ऐसे ऊपर जाके फूट के अलग दिखा में, और इधर हम आपको ले चलते हैं जो यहाँ पे स्काई शॉट दिख रहा है हमको, आपको भी दिख रहा होगा स्काई को, जो ये बने हुए वायर से जो इलेक्ट्रिक से चलते, जो लाइटिंग हो गए थे जो बैटरी रहती है ना उससे चलते हैं ये फटाके। आप देख सकते हो फटाके से चलने वाले, ये इलेक्ट्रिक से चलते हैं थोड़े से फटाके ये, और ये जो वायर है यही है जो इलेक्ट्रिक में फटाकों में देखती है।
तो भैया लोग तो अभी खाना खा रहे, इनका लंच टाइम हो गया तो इनको हम छेल के नहीं भैया लोग को। तो यहाँ पे एक कुत्ता भी घूम रहा है, बोलता है मैं भी फटाके देखूंगा और कैसे खोलते हैं। देखो ये कुत्ता घूम रहा है। तो इतना वाला आप सेटअप देख सकते हो, हम आपको दिखाते हैं आगे चलते। ये स्काई शॉट है। और ये फटाके जो कि इलेक्ट्रिक। भैया एक मिनट। तो भैया आप इतना सारा देख सकते हो। तो ये सब है ना, सो शाम को पूछेगा, जो शाम को शो होगा रावण का, उस समय ये फटाके फूटेंगे। हमारे चैनल में बने रहने के धन्यवाद और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। थैंक यू भैया। ये फायरवर्क्स है। फायरवर्क्स तो थोड़ी सी जानकारी मिल सकती है क्या भैया? कौन सा? अच्छा हाँ, तो जानकारी चाहिए था। तो यहाँ पे हमको दिखे ट्रेन वाले भैया, रावण तो लग चुके हैं और यहाँ पे बैठे हैं रावण। अब इनको बुलाते हैं, इनकी जानकारी लेते हैं हम। ये अपना रावण आधा हुआ है और आधा तो बाकी है। आप देख लो इतना रावण को हम दिखा रहे हैं आपको। और यहाँ पे अब हम आपको ले चलते हैं फटाके की तरफ, जहाँ पे फटाके बनते हैं और फटाके फूटते हैं। तो हम फटाके की तरफ बता दिया जाएगा। तो गाइस यही है जो ट्रेन है जो पंजाब से आई है, यहाँ लिखा पंजाब का जैसे वो उनका चिन्ह बना हुआ है। और ये रायपुर की है लेकिन महाराष्ट्र दिखा रहा है, मतलब महाराष्ट्र के खरीदी हुई है। महाराष्ट्र से कहाँ से खरीदी हुई है भैया? महाराष्ट्र की मुंबई की पासिंग है। मुंबई, मुंबई से पासिंग होके आई है, मतलब वहीं से खरीदी। और वो जो आप देख रहे हो वो मेघनाथ और कुंभकर्ण जो बन के रखे है, और रावण। और यहाँ पे एक दो तीन यहीं पे होने वाले कुंभकर्ण खड़ा और मेघनाथ खड़ा होने वाला, और यहाँ पे रावण। आना है तो शाम को आ सकते हो WRS कॉल। तो अब हम आपको लेके जा रहे हैं फटाके की तरफ जो रावण में फूटे जाते हैं और लगे जाते हैं, क्रैशर बोलते हैं जिसको। तो ये आप हमारे सामने देख रहे हो, ये है हमारे क्रैकर्स। इतना ढीला पूछा काम है कि भाई 2 बज रहे और रावण अभी तक के खड़ा नहीं हुआ। गाइस ये आप देख सकते हो इतनी बड़ी ट्रेन है, ये 50 टन की ट्रेन है जो कि, और यही है ट्रेन जो रावण को खड़ा करती है और मेघनाथ और कुंभकर्ण को। ये एक पहला यहाँ पे मेघनाथ, यहाँ रावण और यहाँ। तो ये अपना रावण इसमें खड़ा हुआ है जो कि ये वाला इधर से चढ़ जाए। हाँ ट्रेन ऑपरेटरों को भी वीडियो शूट करो। तो दोस्तों ये हम आपको दिखा रहे जो ये रावण के हाथ है, और जो अभी आप ये देखने वाले हो ये रावण का गधा है, बहुत बड़ा गधा है। ये अभी रेडी होने का है, आज शाम तक के रेडी हो जाना चाहिए। और यहाँ देख सकते हो ये बन रहा अपना, ये बन गया कुंभकर्ण, ये अपना हो गया मेघनाथ। तो ये अपना बन रहा है मेघनाथ हो गए, ठीक है गाइस। और ये अपने जो हाथ बन रहे थे आपको दिखा रहे हम, ये बन रहा है हाथ, ये बन रहा है हाथ, ये मेघनाथ का हाथ बन रहा है, रावण का हाथ दिखा दी गए। तो हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं भैया से। भैया आप लोग कहाँ से होते? हरगापुर। किधर पड़ता है? कोलकाता। तो टाटा के बाद, टाटा नगर के बाद, टाटा नगर। तो यहाँ पे अभी जो आप बना रहे हो ये क्या बन रहा है? तो ये हाथ बन रहा है। हाथ कौन सा, किसका?
रावण का कुंभकर्ण का मेन नाटक। रावण का तो उड़ गया, रावण का हो गया क्या? गाइस ये आप देख सकते हो, ये रावण है, तो ये आप बना लो मेघ नाटक। चलो इनको काम करने देते, कह के इनको छेले हम, तो ऐसा बन रहा है। और ये अपना रावण खड़ा हो गया है दोस्तों, आप देख सकते हो रावण खड़ा हो चुका है। तो गाइस हमारा ब्लॉग यहीं खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।